In this video, we are going to see how to create countdown timer in Visual Basic. तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के बाद वो वर्क कैसे करेगा। तो चलिए सबसे पहले प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो ये रहा हमारा प्रोग्राम। प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के बाद सबसे पहले आपको जिस भी समय के लिए आपको टाइमर सेट करना है वो टाइम यहाँ पर आपको इंटर करना है। फिलहाल बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 10 सेकंड इनपुट करके रखा है, तो मैं अभी 20 सेकंड के लिए यहाँ पर टाइमर सेट करता हूँ। और उसके बाद जैसे आप स्टार्ट टाइमर बटन पर क्लिक करोगे उसके बाद तुरंत ही आपका काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा। ये किया मैंने क्लिक, तो ये देखिए यहाँ पर काउंटडाउन अभी स्टार्ट हो चुका है। और उसके बाद तो जैसे काउंटडाउन ख़त्म हो जाएगा, मतलब टाइम ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखा है ऑफर इज एंड। तो देखिए अभी अपना टाइमर ख़त्म हो गया, तो यहाँ पर लिख के आ गया ऑफर इज एंड। उसके बाद आप अगर फिर से टाइमर सेट करना चाहते हो तो आपको रिसेट टाइम बटन पर क्लिक करना होगा, उसके बाद आप फिर से टाइमर सेट कर सकते हो। तो ये मैंने रिसेट बटन पर क्लिक किया, अभी अब आप फिर से यहाँ पर टाइमर सेट कर सकते हो। ये हो गया हमारा टाइमर फिर से सेट 10 सेकंड के लिए। यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स लिया है, वो टेक्स्ट बॉक्स जैसे आप टाइमर स्टार्ट टाइमर बटन पर क्लिक करोगे वो टेक्स्ट बॉक्स डिसेबल हो जाएगा। और अगर आप फिर से रिसेट टाइम बटन पर क्लिक करते हो तो उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स फिर से इनेबल हो जाएगा, जिसके ज़रिए आप फिर से टाइम इंटर कर सकते हो यहाँ पर और फिर से टाइमर सेट कर सकते हो। तो चलिए अभी प्रोग्राम को डिज़ाइन कैसे किया जाए उसके बारे में देखते हैं। तो अभी अगर प्रोग्राम को इस तरह का लुक देना चाहते हो तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक इमेज बॉक्स ड्रॉ करना है, और उस इमेज बॉक्स में प्रॉपर्टीज़ में जाकर उस इमेज बॉक्स को आपको यहाँ पर एक पिक्चर सेलेक्ट करना है। कौन सी भी जो इमेज सेट करना चाहते हो आप वो इमेज सेट करना है। फिलहाल तो मैंने यहाँ पर इमेज सेट करके रखी है, तो इसलिए मैं फिर से सेट नहीं करूँगा। उसके बाद यहाँ पर एक लेबल ड्रॉ करना है, और उस लेबल में हमें टाइटल डिस्प्ले करवाना है आवर्स मिनट और सेकंड के लिए। इसलिए फिर से प्रॉपर्टीज़ में जाना पड़ेगा, और प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद यहाँ पर आपको आवर्स मिनट और सेकंड के लिए टाइटल डिस्प्ले करना है कैप्शन में। उसके बाद फिर से यहाँ पर आपको एक लेबल सेट करना है, लेबल ड्रॉ करना है यहाँ पर, और उस लेबल को ट्रांसपेरेंट रखना है। आप प्रॉपर्टीज़ में जाके यहाँ पर उसका बैक कलर जो है वो बैक कलर आप ट्रांसपेरेंट यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। ये इमेज यूज़ की इसलिए ट्रांसपेरेंट करना पड़ रहा है हमें यहाँ पर, अदरवाइज़ आप अगर इमेज यूज़ नहीं करते यहाँ पर तो इस लेबल को ट्रांसपेरेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं बाय डिफ़ॉल्ट रखते हो तो, क्योंकि इसमें हम हमारा जो भी काउंटडाउन होगा वो इस लेबल में हम डिस्प्ले करेंगे। और उसके बाद एक टाइमर ड्रॉ करना है यहाँ पर जो कि मेन रोल प्ले करेगा इस प्रोग्राम में। और उसके बाद टाइमर का टाइम इंटर करने के लिए यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करना है, और उस टेक्स्ट बॉक्स की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपको सेट करनी होगी। उसके लिए आपको प्रॉपर्टीज़ में जाना पड़ेगा टेक्स्ट बॉक्स के, और प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद यहाँ पर आप उसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हो। फिलहाल तो मैंने यहाँ पर 10 सेकंड ही रखी है। और एक बात, आपको टाइमर ड्रॉ करने के बाद उसकी इंटरवल वैल्यू भी यहाँ पे सेट करनी है प्रॉपर्टीज़ में जाके। उसके बाद प्रोग्राम का ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए स्टार्ट टाइमर, रिसेट टाइमर और एग्जिट के बटन ड्रॉ करने हैं यहाँ पर। तो आइए अभी देखते हैं प्रोग्राम की कोडिंग के बारे में। तो हमें जो भी मेन कोडिंग करनी है वो स्टार्ट टाइमर बटन पर ही करनी है। तो ये रही इस प्रोग्राम की कोडिंग। इस कोडिंग को आप डायरेक्टली यूज़ करना चाहते हो तो इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, वहाँ से आप डायरेक्टली इस कोड को ले सकते हो। यहाँ तक आप टाइमर बटन पर लिख सकते हो कोडिंग, और उसके बाद रिसेट बटन के लिए यहाँ पर जो कोडिंग दी हुई है वो कोडिंग आपको रिसेट बटन पर लिखनी है। जैसे ही हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा उसके बाद काउंटडाउन स्टार्ट करने पर
लेबल और टेक्स्ट बॉक्स हाइड होने चाहिए, इसलिए यहाँ पर कोडिंग दे रखी है। जैसे हम काउंटडाउन स्टार्ट करेंगे उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स और लेबल यहाँ पर हाइड हो जाएगा, इसलिए विजिबल इज इक्वल टू फॉल्स करके रखा है। और जैसे फिर से रिसेट बटन पर क्लिक करेंगे उसके बाद तुरंत ही वो फिर से अनहाइड हो जाएगा। आई होप कि काउंटडाउन के बारे में एक बेसिक सी आइडिया आपको मिल गई होगी। तो चलिए प्रोग्राम को फिर से एक बार रन करके देखते हैं।